चार दिवसीय आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत नहाय खाय के साथ कोयलांचल में शुरू हो गई। छठ व्रती व श्रद्धालुगण सुबह दामोदर नदी में स्नान कर पूजा अर्चना की और छठ मैया से देश को जल्द से जल्द कोरोना मुक्त करने की प्रार्थना की। स्नान के बाद घाट पर पूजा अर्चना कर व्रती व श्रद्धालुगण अपने अपने घर लौटे तथा नहाय खाय के अवसर पर खाया जाने वाला खास प्रसाद बनाने में जुट गए। प्रसाद में अरवा चावल, चना दाल व कद्दू से बने प्रसाद को ग्रहण किया। घाटों पर स्नान करने पहुंची छठ व्रतियों व श्रद्धालुओं के चेहरे पर इस बार खुशी झलक रही थी। 2020 में कोरोना महामारी के कारण व्रतियों को छठ मनाने के लिए घाटों पर जाने की अनुमति नहीं मिली थी। इस वजह से घर में ही स्नान कर छठ मनाया गया था। छठ की महिमा के बारे में स्नान करने आई कुछ व्रतियों व श्रद्धालुओं ने बताया कि छठ मैया की महिमा अपरंपार है। छठ पूजा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। नान खा कर, कद्दू भात कर, सब हम लोग उत्सव के साथ पर्व करते हैं बाल बच्चे के साथ। हम कितने वर्षों से पर्व कर रहे हैं आप? कितने वर्षों से कर रहे हैं? हम कर रहे हैं 19 वर्ष से। क्या इनके प्रति आपकी आस्था है? आस्था को हम खुशी से कर रहे हैं, अपने बाल बच्चा के चलते कर रहे हैं। खुशी आदमी से अपने खुशी के चलते जब हम बाल बच्चा बड़ा हो जाएगा तो खुशी से करेंगे पर्व। कितने दिनों का पर्व है? कितने दिनों का पर्व है? चौथा दिन का, चार दिनों का पर्व होता है, तीन चार दिन का होता है। क्या नाम है? रेणुका देवी।